आज हम बनाएंगे व्रत के लिए साबूदाना की खिचड़ी। ये देखिए कितना खिला खिला बना है ये। ये बनाने में जितना आसान है खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। इसे हम व्रत में बना के खाते हैं। इसके लिए हम ये आधा कप साबूदाना ले लेंगे। इसे अच्छी तरह से धो लेंगे, धो के इसका पानी निकाल देंगे। साबूदाना के बराबर पानी डाल के इसे हम भिगो देंगे। इसे ढक के छोड़ दें जब तक ये भीग न जाए। साबूदाना ये देखिए कितनी अच्छी तरह से भीग चुका है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम घी डालेंगे। इसमें 2 चम्मच घी डाल लेंगे। घी गर्म हो चुका है, इसमें ये अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। 1 से 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा बारीक काट लिया है, इसे डाल देंगे। इसे थोड़ा चलाएंगे। थोड़ा सा मूंगफली डालेंगे, इसे भी इसमें साथ में सेक लेंगे। मूंगफली आपको पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे ये आलू। ये हमने उबले हुए आलू लिए हैं, आप चाहें तो कच्चे आलू भी ले सकते हैं। आलू को लाल होने तक सेकेंगे। हम इसे सिर्फ आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो इसमें और भी सब्जी ले सकते हैं, आप गाजर भी ले सकते हैं। हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं इसीलिए बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं। इसे आलू का कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छी तरह से सिक गए हैं। अब इसमें ये साबूदाना डालेंगे, थोड़ा चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स से इसमें कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। चिली फ्लेक्स ना हो तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर काली मिर्च, जो भी मिर्च आपको पसंद हो। स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, इसमें हम सेंधा नमक का यूज कर रहे हैं, जो नमक हम व्रत में खाते हैं। अब डालेंगे इसमें नींबू का रस, ये आधा नींबू का रस हमने लिया है। थोड़ा धनिया का पत्ता डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। गैस को धीमी आंच पे कर लें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। 1 मिनट तक इसे हम चलाएंगे। ये देखिए कितना खुला खुला बना है ये। साबूदाना की खिचड़ी रेडी है, गैस को बंद कर दें। साबूदाना की खिचड़ी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसे गर्मा गर्म सर्व करें। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही हल्का भी होता है। इसे हम व्रत में बना के खाते हैं, ऐसे भी बना के खा सकते हैं। आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो आप शेयर जरूर करें। थैंक यू।